Prakash Sharma was the joint secretary of the Bajrang Dal when the Babri Masjid was demolished. He is one of the few people who have spoken without any fear about his involvement. He is not remorseful about what happened and admits, "Bilkul the, kyun nahi the? Hum mujrim hai usme. Bajrang Dal ke karyakarta na hote, to hum mujrim kyun banaye jate?" भारत के संतों ने नौजवानों को राम जानकी रथों की सुरक्षा के लिए संगठित करने के लिए बजरंग दल हिंदू परिषद के युवाएं भारत के रूप में उसकी स्थापना हुई। 1984 कौन पीछे कौन था सर, किसने मतलब, कोई तो होगा संगठन है ना हिंदू परिषद और संत जी। बिल्कुल ठीक है, हम मुंबई मुलजिम, उसमें बड़े बड़े कार्यकर्ता अगर नहीं होते तो हम मुलजिम क्यों बनाए जाते जी। आपके ऊपर सर क्या आरोप लगे? प्रकाश शर्मा एक्सेप्ट्स दैट ही डिड एवरीथिंग दैट एवरी अदर कार सेवक डिड। हाउएवर ही वुड नॉट डाइवल्ज एनी फर्दर डिटेल्स बिकॉज ऑफ हिज पेंडिंग कोर्ट केस। शर्मा सेज ही कुड टॉक इन प्राइवेट but not if he is quoted in a book. He says, आप मुझे बंद कमरे में पूछेंगे तो मैं सब सही बता दूंगा। आप कहोगे किताब लिखने जा रहा हूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन न्यायालय में क्या गवाही आएगी उसके आधार पर मेरा क्या बयान होना चाहिए ये मैं कहूंगा। और अगर मेरा बयान आपकी पुस्तक में प्रकाशित होता है तो वो कंट्राडिक्शन होगा। कोई न्यायालय में केस लड़ना नहीं तो आप वही कहिए, आप वकील हो, मैंने कोई कत्ल किया है, आप उससे कमरे में पूछोगे कि आपने क्या किया, मैं आपको सही सही बता दूंगा क्या। आप कहो मैं किताब लिखने जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आप मुझसे अपेक्षा करो मैं न्यायालय में जाकर स्वीकार कर लूँ, मैंने आपने मुझे कमरे में बताया था, न्यायालय में भी जाके बता दो कि आपने कत्ल किया, तो ये संभव नहीं। सर आपके प्रश्न से मुझे लग रहा है आप किताब कम लिखना चाहते हो, एक पुलिस इंक्वायरी जैसे करती हो जाकर। मैं क्या कर रहा था? अरे भाई जो सब कर रहे हैं मैं कर रहा था। Sharma summarizes his role in the demolition of the Babri Masjid. He says everyone had a common role, to destroy the mosque and build the temple. The Babri Masjid sabki bhumika thi ki woh dhaka saaf ho jaye aur jaisa bhi hai asthayi mandir bhi bana ho, ban gaya, aur yehi sabki bhumika thi। लोग नष्ट हो जाएं, इस शेर को कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले।